जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू टारगेट डिफेंस फोर्सेस। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस रैंक्स इन द इंडियन आर्मी। और हम लोग आज के सेशन में आपको ऐसे ट्रेन कर देंगे कि आप लोग कोई भी रैंक इजीली पहचान सकें। अब जो आज का हमारा ये सेशन है, इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो जब भी आप लोग SSB में जाते हैं तो वहाँ पर जब हमारा पर्सनल इंटरव्यू होता है, सो देर इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट इज आस्क बाय द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, इज दैट अबाउट द रैंक्स एंड वट इज़ द इंसिग्निया। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे NCO की रैंक्स, JCO की रैंक्स और ऑफिसर की रैंक्स अलॉन्ग विद देयर इंसिग्निया, वो सब पूछा जाता है। तो अगर आप लोग ये सेशन आज देखेंगे तो आई थिंक दैट दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट देयर। तो सबसे पहले सेशन की शुरुआत करते हैं कि वाई डू वी नीड रैंक्स इन इंडियन आर्मी और एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो द आंसर इज़ वेरी सिंपल कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबका अलग अलग रोल होता है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट हायरार्की इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वी नीड द इम्पॉर्टेंस ऑफ रैंक्स। सो सिमिलरली इन इंडियन आर्मी ऑल्सो देर आर वेरियस रैंक्स एंड द रैंक्स इन द इंडियन आर्मी इज बेसिकली डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज that we are going to discuss in this session right now. So the category of the ranks in Indian Army are, first we have the commissioned officer, that is the topmost in the hierarchy, and the next we have the JCOs or the junior commissioned officers, and after that we have the non-commissioned officer or the NCOs. So all those ranks that we are going to discuss in the session next will fall under one of these categories. तो first of all हम लोग नीचे से discuss करते हैं hierarchy में जो नीचे से आता है। तो सबसे पहले हम discuss करते हैं about the NCO और non-commissioned officers. So whenever anyone join army from the bottom most hierarchy, he or she joins it as a NCO or non-commissioned officer. तो जो entry level post होती है non-commissioned officer में, वो होती है soldier. ठीक है, तो बेसिकली जो सोल्जर होते हैं वो रैली वगैरह होती है ऑल ओवर इंडिया, उसके थ्रू रिक्रूट होते हैं। तो जो सोल्जर होती है उसकी यूनिफॉर्म में ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिग्निया होता नहीं है। ठीक है, तो मैंने रेफरेंस के लिए एक इमेज आपके साथ शेयर करी है, उसमें आप देख सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज पर्सनल आर सोल्जर्स एंड दे आर नॉट हैविंग एनी इंसिग्निया। बट एज वी मूव फॉरवर्ड इन द हायरार्की, द फर्स्ट रैंक इन द NCO After the soldier is basically Lance Nayak. अब आप लोगों को पहचानना है कि Lance Nayak के क्या insignia होता है। तो अगर आप लोग closely देखेंगे तो जो Lance Nayak की uniform होती है उसका जो right sleeve होती है उसके ऊपर एक single patch होता है, single basically angled patch होता है। तो उसके through आप लोग पहचान सकते हैं कि ये rank Lance Nayak की है। आपके जो video है उसमें एक हमने इमेज शेयर करी है इंसिग्निया की, उसके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि Lance Nayak का जो इंसिग्निया होता है वो क्या होता है। आफ्टर Lance Nayak एन NCO इज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ नायक। सो जो नायक का इंसिग्निया होता है वो Lance Nayak की तरह ही राइट स्लीव पे दो एंगल्ड पैच होते हैं। यू कैन सी दोज टू एंगल्ड पैच इन द वीडियो अलॉन्ग विद देयर इंसिग्निया। आफ्टर नायक एन NCO gets promoted to become a हवलदार। तो जो हवलदार का इंसिग्निया होता है वो भी उनके राइट स्लीव में होता है और उसमें 3 एंगल्ड पैच होते हैं। जैसा आपने देखा कि Lance Nayak में सिंगल एंगल्ड पैच था, उसके बाद नायक में 2 एंगल्ड पैच थे, जो हवलदार होता है उसमें 3 एंगल्ड पैच होते हैं। सो दीज आर बेसिकली द इंसिग्निया ऑफ द NCOs. I think that after going through this video, you can clearly make the difference between all the 3 NCO posts. Moving forward, we have the category of JCO or Junior Commissioned Officers. ठीक है, तो अब इस पोस्ट का रेलेवेंस क्या था कि जूनियर कमीशनड ऑफिसर क्यों आए, ये भी हम बताते हैं। When there was British rule in India. ठीक है, क्योंकि अब जो हमारी आर्मी है वो सारे के सारे ट्रेडिशन आर्मी के उन्होंने ब्रिटिश आर्मी से लिए। सो द जूनियर कमीशनड ऑफिसर वर बेसिकली टू मेंटेन द कम्युनिकेशन बिटवीन द कमीशनड ऑफिसर
एंड द नॉन कमीशन ऑफिसर, जो पुराना टाइम होता था उसमें नॉन कमीशन ऑफिसर बेसिकली उतने ज्यादा एजुकेटेड होते नहीं थे, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द कम्युनिकेशन बिटवीन द हायर अथॉरिटीज एंड द लोअर अथॉरिटीज द JCOs वर रिक्रूटेड. अब जो नेक्स्ट हमारा जो रैंक है JCO में उसको बोलते हैं नायब सूबेदार. इस वीडियो में नाइक सूबेदार लिखा है, इट इज नॉट नाइक सूबेदार, इट इज नायब सूबेदार. सो द नायब सूबेदार को पहचानने का तरीका क्या है कि उनके जो शोल्डर होता है, शोल्डर पे एक सिंगल स्टार होता है अलोंग विद रेड एंड येलो स्ट्रिप. तो जो ये रेड एंड येलो स्ट्रिप है इसी से डिफरेंस पता लगता है कि कौन कमीशन्ड ऑफिसर है और कौन एक JCO है. सो नेक्स्ट इन द हायरार्की आफ्टर नायब सूबेदार, अ JCO इज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ सूबेदार. इफ यू टॉक अबाउट सूबेदार तो उसका इंसिग्निया पहचानने का भी यही तरीका है कि उनके शोल्डर पे दो स्टार्स होते हैं अलोंग विद द रेड एंड येलो स्ट्रिप. आफ्टर सूबेदार a personnel get promoted to the rank of subedar major. For subedar major we have the insignia of ashok stump or ashok emblem in the shoulder along with the red and yellow strips. To yahan pe hamari jo JCO ki post hai wo khatam hoti hai. Iske baad jo ranks hoti hai, iske above jo ranks hoti hai, that fall under the commissioned officer. So the first rank that fall under the commissioned officer is the rank of lieutenant. तो जो आज का हमारा सेशन है हम इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं. तो जो कमीशन्ड ऑफिसर हैं उनमें हमने कुछ हाईली डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर्स की इमेज लगाई हुई है. सो यू कैन इंटरैक्ट विद अस आफ्टर नेमिंग देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि वो ऑफिसर्स कौन हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट रैंक ऑफ द कमीशन्ड ऑफिसर इज दैट ऑफ अ लेफ्टिनेंट. वेन एवर यू अप्लाई थ्रू द ऑफिसर एंट्री द फर्स्ट रैंक दैट यू विल गेट इज ऑफ अ लेफ्टिनेंट. तो लेफ्टिनेंट को पहचानने का तरीका यह है कि उनका जो शोल्डर होते हैं उस पे दो स्टार्स बने होते हैं विदाउट अ रेड एंड येलो स्ट्रिप एज दैट इन द केस ऑफ द JCO. तो इसी से हम डिफरेंस पता लगाते हैं कि कौन JCO है और कौन कमीशन्ड ऑफिसर है. तो इससे पहले क्या होता था, आर्मी में एक सेकेंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट होती थी लेफ्टिनेंट के नीचे. तो उसका अगर इंसिग्निया आपको जानना है तो उसका इंसिग्निया एक सिंगल स्टार होता था. After the rank of lieutenant, an officer gets promoted to the rank of captain. तो जो captain होता है उसके shoulder पे तीन stars होते हैं. जैसा आपने lieutenant में देखा था वहाँ पे दो star होते हैं, इधर पे एक star बढ़ जाता है और तीन stars हो जाते हैं. After the rank of captain, an army personnel gets promoted to the rank of a major. If we talk about the insignia of major, देन जो मेजर की यूनिफॉर्म होती है उसके शोल्डर पे अशोक स्तंभ या अशोक एम्बलम होता है, एक सिंगल अशोक एम्बलम होता है. मेजर के बाद जो हमारी रैंक आती है वो होती है लेफ्टिनेंट कर्नल की. तो जो लेफ्टिनेंट कर्नल का जो इंसिग्निया होता है वो शोल्डर पे एक अशोक स्तंभ अलोंग विद अ सिंगल स्टार. तो जैसा आप फोटो पे देख सकते हैं कि एक अशोक स्तंभ जो मेजर वाला है वो है और एक हमारा सिंगल स्टार होता है. The rank after lieutenant colonel is that of a colonel. तो जो colonel होता है उसका जो insignia होता है वो ये होता है कि जब आप उनके shoulder पे देखोगे तो वहाँ पे आपको दो stars along with the Ashok emblem दिखेगा. साथ ही साथ आप लोग जो colonel से ऊपर की rank होती है उन्हें उनके collar patch से भी पहचान सकते हैं. जैसा आप देख रहे हैं uniform में एक जो collar है, uniform का collar, उसमें एक patch लगा हुआ है red color का. तो जो वो पैच है उससे भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सी रैंक है. तो जो कर्नल होता है उसके रेड पैच में एक स्ट्रिप होती है लंबी सी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं. तो उससे भी पहचान होती है कि ऑफिसर कौन सा रैंक का है. कर्नल के बाद कोई भी ऑफिसर प्रमोट होता है टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर. इफ यू टॉक अबाउट द इंसिग्निया ऑफ ब्रिगेडियर, तो जब उनके हम शोल्डर पे देखते हैं तो वहां पे हमें तीन स्टार्स दिखते हैं अलोंग विद अशोक एम्बलम. और साथ ही साथ अगर आपको कभी ऐसा हो सकता है कि शोल्डर की इंसिग्निया विजिबल ना हो, तो अगर आपको कॉलर टैब दिख रहा है और कॉलर टैब में अगर आपको एक सिंगल स्टार दिखता है तो दैट इज द रैंक ऑफ अ ब्रिगेडियर. आफ्टर ब्रिगेडियर द रैंक इज दैट ऑफ अ मेजर जनरल. इफ यू टॉक अबाउट द रैंक ऑफ मेजर जनरल देन वी हैव द इंसिग्निया ऑफ
स्वॉर्ड एंड बेटन राइट अलोंग विद अ सिंगल स्टार, और साथ ही साथ जो हमारा कॉलर टैब होता है वहां पे दो स्टार आ जाते हैं। तो अगर आप कॉलर टैब ही टैब देखें तो वहां पे अगर आपको दो स्टार दिखते हैं तो आप क्लियरली मेकआउट कर सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर रैंक इज ऑफ अ मेजर जनरल। आफ्टर मेजर जनरल एन आर्मी पर्सनल गेट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। इफ यू टॉक अबाउट द इंसिग्निया ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल देन वी हैव स्वॉर्ड एंड द बेटन इन द शोल्डर अलोंग विद अशोक स्तंभ। साथ ही साथ जो हमारा कॉलर टैब होता है उसमें हमारे तीन स्टार हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे आप क्लियरली मेकआउट कर सकते हो कि द रैंक इज दैट ऑफ अ लेफ्टिनेंट जनरल। आफ्टर द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल अ पर्सन गेट्स प्रमोटेड टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दैट इज अ जनरल। तो जो जनरल की रैंक होती है अगर आप उनके शोल्डर पे देखते हो तो वहां पे हमें एक तो स्वॉर्ड एंड बेटन मिलता है अलोंग विद द अशोक एम्बलम और उसके बीच में एक स्टार होता है, तो उससे पता लगता है कि द रैंक इज दैट ऑफ अ जनरल, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप कॉलर टैब को डिस्कस करो तो कॉलर टैब में हमारे चार स्टार आ जाते हैं, फोर स्टार ऑफिसर होता है जो हमारा जनरल होता है। अब इसके आगे जो पोस्ट होती है इंडियन आर्मी में वो बेसिकली होती है फील्ड मार्शल की पोस्ट। अ फील्ड मार्शल इज अ डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, और जो ये पोस्ट होती है वो बहुत कम लोगों को दी गई है। अभी तक हमारे जो इंडियन आर्मी है उसमें दो ही लोग फील्ड मार्शल की पोस्ट तक पहुंच पाए हैं। द फर्स्ट वन इज फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ एंड द अदर वन इज फील्ड मार्शल KM करियप्पा। और ये जो पोस्ट होती है वो वॉरफेयर में एग्जाम्पलरी ब्रेवरी दिखाने पर दी जाती है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे CDS की पोस्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्यों नहीं डिस्कस करी, क्योंकि वो पोस्ट आर्मी तक ही लिमिटेड नहीं रहती है, वो पोस्ट एयरफोर्स और नेवी को भी रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए हम उस पोस्ट को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो है जनरल बिपिन रावत राइट एंड ही इज फ्रॉम द आर्मी। बट इन द फ्यूचर इफ the government feel that there is any officer in the navy or air force who they think deserve the post of the CDS, then they can also become the CDS. तो जो CDS है वो navy और air force से भी बना जा सकता है। तो आज का session हम लोगों का आपको कैसे लगा, कितनी query हम आपकी solve कर पाए वो आप लोग comment session में बता सकते हैं। And you can subscribe to our channel Target Defence Forces for getting more knowledgeable stuff regarding the armed forces. So thanks everyone for watching this video. I hope that after seeing this video you can easily make out between the various ranks of the Indian Army. और ये आपको आपके interview में भी help करेगा। आप लोग हमारे channel को subscribe कर सकते हैं। In the coming videos we are going to discuss about the ranks and insignia of the Indian Navy, Air Force and Indian Coast Guard. So for that stuff you can stay tuned to our channel. Thanks for watching.